नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा आज का विषय है समाचार संपादन, न्यूज एडिटिंग। जिस प्रकार लिखना एक कला है, ठीक इसी तरह संपादन करना, एक अच्छा संपादन करना भी एक कौशल है, एक स्किल है। समाचार संपादन की अगर हम बात करें तो समाचार का संपादन करते वक्त संपादक को बहुत सी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत से सिद्धांत फॉलो करने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है, विद्यार्थी संपादन का जो अभिप्राय है, जो मीनिंग है, उसको सिर्फ इस बात से ले लेते हैं कि एडिटिंग में हम सिर्फ मैटर को काटते हैं, उसको कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संपादन में हम एक विषय सामग्री को, यानी हमारा जो कंटेंट है, वेदर इट में भी न्यूज़ आर्टिकल और फीचर, उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, उसको प्रस्तुतिकरण के लायक बनाते हैं। चाहे हमें उसमें सामग्री हम उसमें ऐड करते हैं, चाहे उसमें सामग्री हम कुछ कम करते हैं, लेकिन विषय यह है कि हमें उस सामग्री को, उस समाचार को, उस आर्टिकल को, उस फीचर को हमने एक प्रेजेंटेबल वे में बनाना है, प्रस्तुतिकरण लायक बनाना है, ताकि वो पाठकों को, दर्शकों को या श्रोताओं को, अगर हम बात करें रेडियो, टीवी और समाचार पत्र माध्यम की, तो उन सब को वो अच्छा लगे और वो एक प्रस्तुतिकरण के लायक विषय सामग्री हमारी तैयार हो। तो समाचार संपादन के वक्त बहुत से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है एक अच्छे समाचार संपादन के लिए। तो उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हमारा पहला सिद्धांत है एक्यूरेसी, सटीकता। यानी जब भी हम समाचार का संपादन करें तो हम ये ख्याल रखें कि जो तथ्य हमने उसमें दिए हैं, जो सूचनाएँ हमने दी हैं, उसका हमें क्रॉस चेक करें, उनको हम वेरीफाई करें कि क्या जो हम तथ्य उसमें देने जा रहे हैं क्या वो सही हैं। इसके लिए आप अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग एजेंसीज़ हैं, वहाँ से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। खुद रिपोर्टर से भी एक या दो बार फ़ोन कर सकते हैं कि आपने जो तथ्य दिए हैं, आप इनकी जो सत्यता है, जो एक्यूरेसी है, उसकी जांच कर लें। क्योंकि जब संपादक या उप संपादक खबर का संपादन कर देते हैं तो उसके बाद वो प्रिंट हो गए, नेक्स्ट डे लोगों के हाथ में अखबार चला जाता है, उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करने का गुंजाइश उसमें नहीं रहती है। इसलिए सबसे पहले ये जांचना ज़रूरी है कि आपकी खबर है उसमें फैक्ट्स आपके सही। एक्यूरेसी के बाद एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मींस उल्लेख करना। जब आप किसी समाचार का संपादन करने जा रहे हैं तो उस खबर में ये ध्यान रखें कि उस खबर का कोई सोर्स जरूर हो। फॉर एग्जांपल, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई न्यूज़ है और एजुकेशन जो बीट कवर करते हैं रिपोर्टर, उन्होंने वो खबर लिखी है कि जिले में स्कूल बनेंगे, जिले में कोई घोषणा खास एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, स्कूलों में कोई नई योजना आई है, तो जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका एक तरह से वहाँ पे बयान हो, उल्लेख किया गया हो कि ये समाचार जो है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ हवाले से लिखा गया है, उनका वर्जन वहाँ पे हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ज्ञात अज्ञात सोर्सेज, या कई बार आप सोर्स का डायरेक्ट नाम नहीं देते लेकिन विभाग का नाम आप कई बार मेंशन करते हैं कि जैसे विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया। तो कोशिश करें कि जब आप समाचार का संपादन कर रहे हैं तो आप उसमें ये ध्यान रखें क्या हमने सोर्स का उल्लेख किया है, क्योंकि सोर्सेज का उल्लेख करने से, उसको एट्रीब्यूट करने से हमारी खबर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। देन बैलेंस। हर समाचार में कई पक्ष शामिल होते हैं। जैसे आजकल अगर हम बात करें, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान कानूनों को रद्द करने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कई दिन से। अब इसमें सरकार का एक पक्ष है, किसानों का एक पक्ष है, और साथ ही जो आम पब्लिक हो सकता है उसका कुछ आवाजाही प्रभावित हो रही है, तो वो एक अलग पक्ष है। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, वो अलग पक्ष हैं। तो इस खबर से बहुत से पक्ष जुड़े हुए हैं। तो जब आप समाचार का संपादन करते हैं तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपने अपनी खबर में सभी पक्षों को जगह देनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ सरकार की बात कर रहे हैं, आप सब पक्षों को वहाँ पे जगह दीजिए। देन ऑब्जेक्टिविटी। आपने बैलेंस तो करना ही है सब, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी मींस आपने अपनी तरफ से किसी पक्ष का फेवर नहीं करना है। सब पक्षों को रखने के बाद भी क्या होता है, हम अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से चीज़ों को नहीं देखते, अगर हम न्यूट्रल नहीं हैं, तो हम कई बार ये होता है कि इंसान अपना खुद का जो एडिटर है वो खुद का मत कहीं ना कहीं उस खबर में शामिल कर जाता है, चाहे अनचाहे। सबसे बड़ा ध्यान हमें इस बात का रखना है, यानी बैलेंस्ड न्यूज़ देते हुए, हमें सभी पक्षों का बात रखते हुए हमें खुद को न्यूट्रल रहना है। हम किसी पक्ष की फेवर नहीं करेंगे, सिर्फ सभी पक्षों की बात हम रखेंगे। देन क्लैरिटी। अगर आप किसी खबर का संपादन करते हैं तो उस खबर से जितने पहलू जुड़े हुए हैं, उस खबर को आप
जब तक सही से समझ नहीं पाएंगे उसका संपादन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप उस रिपोर्टर से भी फ़ोन कर सकते हैं जिसने खबर को लिखा है, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ लें। क्योंकि आप क्लियर नहीं है तो आप ना क्लियर हेडिंग दे पाएंगे, ना आप क्लियर तरीके से इंट्रो लिख पाएंगे, और अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो कल जो पाठक आपका अखबार आपकी मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उनके दिमाग में भी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी और एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। इसलिए क्लैरिटी ज़रूरी है। उन जो भी खबर आप एडिट कर रहे हैं उसको लेके आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देन कंसाइजनेस, जब आप किसी भी चीज़ का संपादन करते हैं, जो सामग्री आपके पास है, समाचार आपके पास है, तो आपको कंसाइज रहना है, क्योंकि पाठकों के पास बहुत कम समय है तो उनको थोड़े शब्दों में अच्छी चीज़ें चाहिए। लेकिन आजकल डेस्क पर विशेष हिदायतें होती हैं कि हमने इतनी बड़ी खबरें लगानी है, वर्ड्स की लिमिट होती है कि आप इतने वर्ड्स में उस खबर को लगाइए। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि खबर ज़्यादा लंबी ना हो, बल्कि एक कॉन्साइज तरीके से, या एक ब्रेविटी जिसको कहते हैं, संक्षिप्तता उसमें होनी चाहिए, लेकिन हम सारी बात भी उसमें कह पाए। देन रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी मीन्स पठनीयता। किसी खबर की पठनीयता तभी ज़्यादा होगी जब उसमें आसान शब्दों का इस्तेमाल होगा, जब उसमें छोटे छोटे वाक्य होंगे, तब उसकी रीडेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो एडिटिंग करते वक्त इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसकी रीडेबिलिटी आपकी खबर के बनी रहे, क्योंकि लंबे वाक्य होंगे उसमें नीरसता आ जाती है, उबाऊपन आ जाता है। तो छोटे वाक्य आप रखें और कोशिश करें हर वाक्य में कुछ ना कुछ नई बात आप रखें पाठकों के सामने। देन ह्यूमन इंटरेस्ट, मानवीय अभिरुचि, यानी आपकी जो लैंग्वेज है, जो संपादन करते वक्त चाहे हेडिंग दे रहे हैं, चाहे फोटोग्राफ्स का चयन कर रहे हैं, कुछ भी एक संपादन में, क्योंकि संपादन केवल आप खबर का नहीं कर रहे, आप फोटो का भी एडिटिंग कर रहे होते हैं, खबर के साथ फोटो भी आप लगा रहे होते हैं, आपके पास एक खबर से संबंधित 6 फोटो 7 फोटो हैं, लेकिन फोटो एक लगाना है आपने, तो वहाँ भी आप ये देखेंगे कौन सा फोटोग्राफ मैं लगाऊँ। उस फोटोग्राफ का ऐसा कोई हिस्सा जो अनवांटेड है, जिसको काटना है, उसको आप क्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सब करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं, कौन सा फोटो देखना पसंद करते हैं, खबर का हेडिंग किस तरीके से देखना पसंद करते हैं। तो जब भी आप समाचार संपादन कर रहे हैं तो आपको मानवीय अभिरुचि का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। देन कीन ऑब्जर्वेशन, जब आप एक संपादक के तौर पर काम कर रहे होते हैं तो आपको चीज़ों को एक तरह से कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तीक्ष्ण अवलोकन आपका होना चाहिए कि एक मिनट में आप एक गलती अगर कोई उसको तुरंत पकड़ जाएं, क्योंकि वहाँ काम इतना ज़्यादा होता है, लगातार खबरें आ रही होती हैं, आपको समाचार पत्र उसी दिन मॉर्निंग में अगले दिन पब्लिश करना होता है, तो उसी दिन आपने वो पेज बना के देना होता है, सेम डे एक डेडलाइन होती है अखबार के प्रिंटिंग के लिए जाने के लिए। तो आप जब तक कीन ऑब्जर्वर नहीं रहेंगे तब तक आप गलतियों को अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे। देन सोशल वेलफेयर, जब भी आप किसी खबर का हेडिंग लगा रहे हैं, उसको संपादित करके अखबार में छपने के लिए उसको लेआउट डिज़ाइनिंग में शामिल कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि इस खबर में कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन ऐसी ना हो जिससे सोशल जो हार्मनी है उस पर कोई दिक्कत ना आ जाए, लोगों में किसी तरह का विवाद ना हो, किसी पक्ष के बारे में मैं ऐसी कोई लाइन ना लिख दूँ जिससे कोई दिक्कत सोसाइटी में अनरेस्ट की सिचुएशन ना आए। तो आपने अपनी सेंसेशन क्रिएट नहीं करनी है, सेंसेशन के जो चक्कर में कई बार क्या होता है कि हम एक सनसनी पैदा करने के लिए ऐसा हेडिंग दे देते हैं या ऐसी चीज़ें लिख देते हैं, खासकर जब दो गुटों का कोई विवाद होता है, चाहे वो जातीय संघर्ष है, चाहे वो और किसी स्तर पर जो संघर्ष है, तो आपने उसको अलग रंग नहीं देना है, बल्कि आपने ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली न्यूज़पेपर जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, तो आप ऐसी ही उसकी लैंग्वेज रखेंगे। देन कंप्लीटनेस, आप इन सब सिद्धांतों को फॉलो करते हुए ये इस बात का भी ख्याल ज़रूर रखेंगे कि आपने इन सब सिद्धांतों की पालना ज़रूर करनी है, लेकिन एक सबसे लास्ट में आप ये जरूर देखें कि मैंने सब सिद्धांतों की पालना करते हुए, सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, क्या इस खबर में कंप्लीटनेस है, क्या कोई पहलू छूट तो नहीं गया। तो आपकी खबर अपने आप में एक कंप्लीट होनी चाहिए, पाठक को पूरी सूचना उस खबर से संबंधित आप मिल जानी चाहिए आपकी खबर को पढ़कर, तभी उसको एक बेहतर संपादन माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूज एडिटिंग के बारे में, यानी समाचार संपादन के कौन से सिद्धांत हैं। निश्चित ही जिस प्रकार लिखना मुश्किल है, उसी प्रकार उसका संपादन करना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन निरंतर अभ्यास के जरिए इस कला में महारत हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।